प्याज हमारी पूरी तरह से भुन के तैयार हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन होते तक अच्छी तरह से भुनने देंगे। हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुन के पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच गरम मसाला पाउडर। मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तो हम इसमें हरी धनिया की जो हमने चटनी बनाई है वो थोड़ी सी ऐड करेंगे। हमारा मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तो हम इसमें डीप फ्राई की हुई भिंडी ऐड करेंगे जो हमने पहले से डीप फ्राई करके रखी हुई है, और हम इस भिंडी के साथ में मसाले को 10 मिनट तक भुनने देंगे अच्छी तरह से। और 10 मिनट के बाद हमारी भिंडी मसाला भिंडी बनके तैयार है। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर करें, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मसाला भिंडी की रेसिपी कैसी लगी। आप इसे घर पे ट्राई ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।